अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह आइसक्रीम रखा है इसमें। तो आइसक्रीम देखते हैं किस तरह से है। यहाँ पे देखेंगे पूरा अंदर का टेम्परेचर जो है माइनस डिग्री सेल्सियस में है, क्योंकि यहाँ पे आप साइड में देखेंगे बर्फ की परतें जो है जम गई हैं। और इस तरह से इसमें कितना स्पेस होता है एक बार जरा इसको भी दिखा दें, इसमें स्पेस मैं आपको दिखा देता हूँ, काफी स्पेस है। और पूरा फ्रीजर जो है कूल है अंदर। और यहाँ पे देखेंगे ये वायर है जो कि रात में लगाने के बाद जो है ये चार्ज हो जाता है। ई लोडर जो रिक्शे होते हैं उसी पे इस फ्रीजर को सेट किया गया है। तो आपके सिटी में जो भी बर्फ़ की फैक्ट्री है आप वहाँ से संपर्क करके आप वहाँ से जो है आइसक्रीम ले सकते हैं, और इस तरह से ई लोडर में खर्च करके जो है आप अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं। अगर आप खुद का करते हैं तो आपको जो है आइसक्रीम में जो है कमीशन के हिसाब से या परसेंटेज के हिसाब से मिलता है, लेकिन अगर आप जो है आइसक्रीम फैक्ट्री की तरफ से पूरा फिटिंग जो है पूरा सेट ये फ्रीजर और ई रिक्शा लेते हैं तो आपको जो है कमीशन पे रखा जाता है और आपको ये ई रिक्शा दिया जाता है। तो आप भी अपने नज़दीकी जो है आप फैक्ट्री से संपर्क करें जहाँ पे आइसक्रीम बनता है उनसे संपर्क करें, और अगर आप पैसे नहीं खर्च करना चाहें तो आप उनसे जो है इस तरह से रिक्शा ले सकते हैं। अगर आप फैक्ट्री से संपर्क करते हैं तो कुछ पैसे भी जमा करने पड़ते हैं या ऐसे ही आपको जो है नाम या फिर एड्रेस लिख के ई रिक्शा देते हैं? पैसा कुछ नहीं जमा करना पड़ता। अच्छा, किस आधार पे देते हैं आपको? आप पहचान पे देते हैं। अच्छा, पहचान पे, आपकी पहचान हो अगर तो आपको जो है ये ई रिक्शा मिल सकता है। तो आपको कैसा लग रहा है, कब से आप ये काम कर रहे हैं? अभी हमें हुआ 10-12 दिन हुआ। अच्छा, अभी गर्मी शुरू भी हुई है तो 10-12 दिन हुआ, तो प्रॉफिट मिल रहा है? अच्छा, अच्छा कहाँ, ये सिटी में ही जाते हैं या फिर गांव में भी जाते हैं? गांव में भी जाते हैं। गांव में जाते हैं, तो क्या सिटी और गांव में क्या डिफरेंट देखने को मिलता है? अब गांव में बिक्री ज़्यादा रहता है, सिटी में भी बिक्री होता है। अच्छा, सिटी में बहुत तरीके के आइसक्रीम मिलते हैं, गांव में अभी उतना आइसक्रीम नहीं जाता है। जी। कितने किलोमीटर चलता है एक चार्जिंग पे? एक बीस। तो काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छा बैकअप है बैटरी का। इसमें खर्चा 1,80,000 का आता है पूरा टोटल। अच्छा, टोटल। अच्छा, ई रिक्शा किस तरह से, इसका प्राइस क्या होता है और फ्रीजर जो लगा है उसका प्राइस क्या होता है? फ्रीजर का प्राइस 60,000 है और 1,20,000 का रिक्शा पड़ता है। 1,20,000 का ई रिक्शा है। तो यहाँ पे मैं आपको फ्रीजर दिखाना चाहूँगा किस तरह से, ये किस तरह से काम करता है इसके बारे में बताएं। ये लाइट से चार्ज होता है। अच्छा, लाइट से चार्ज होने के बाद जो है 24 घंटा इसका वो टेम्परेचर रहता है। अच्छा, ये जो फ्रीजर देख रहे हैं इससे डीप फ्रीजर कहते हैं, और एक बार चार्जिंग में अगर आप इसे रात में चार्ज करते हैं तो पूरा दिन जो है बड़े आराम से चल जाता है। जिस तरह से ये रिक्शा आपका काम करता है, इसमें जो भी आप आइसक्रीम रखते हैं उसका टेम्परेचर बना रहता है और बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो ये जो फ्रीजर होता है ये 60,000 का लगभग पड़ता है, और ई रिक्शा भी 1,20,000 से 1,25,000 के बीच में जो है आ जाता है। तो टोटल जो है कम्प्लीट, अगर आप ऊपर का देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन जो भी चीज़ें हैं, ये टोटल कंप्लीट जो है 1,80,000 का बैठता है। इस तरह से अगर आप पैसे खर्च करते हैं तो खुद जो है ये जो है जो आइसक्रीम फैक्ट्री है वहाँ से खुद जो है इनको मिला है। अगर आप खुद अलग से अपना जो है ये छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से पैसे खर्च करके जो है आप इस तरह से अपना एक जो है आइसक्रीम शॉप छोटा सा जो है आप बना सकते हैं। और आइसक्रीम के लिए आपको जो है फैक्ट्री तक जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ से लोडिंग करनी पड़ेगी आइसक्रीम की, लेकिन अगर फैक्ट्री से लेना चाहें तो इस पे जो है कमीशन पे होता है। किस तरह से जो है फैक्ट्री जो है आपको कमीशन देती है, किस तरह से? खुद का रहेगा जी तो उस पे आपको 5 वाला आपको 3.5 रुपये में मिलेगा जी, और अगर जो रिक्शा उनका रहेगा तो आपको 20% कमीशन मिलेगा। अच्छा, यानी 100 रुपये का अगर आप जो है आइसक्रीम बेचते हैं तो आपको 20 रुपये प्रॉफिट मिलता है, कमीशन मिलता है। तो इस तरह से कितनी लोडिंग करते हैं, कितने रुपए का आप इसमें जो है आइसक्रीम लोडिंग करते हैं? इसमें तो 8,000 का माल है। 8,000 का माल है, 8,000 का माल है, 8,000 का माल है। दिन में किस तरह से बिजनेस हो जाता है? दिन में 2-3 हज़ार रुपये का बिजनेस होता है। अच्छा, बाकी जो आइसक्रीम बचता है वो क्या करते हैं? वो इसी में रहता है। अच्छा, इसी में रखा रहता है, फिर खराब नहीं होता क्या? नहीं नहीं, खराब नहीं होता। तो काफी जो है अच्छा ये फ्रीजर है।
छोटा सा वीडियो था दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जरूर जाएगा, वहाँ पर बहुत सारे वीडियोज़ की लिंक है और वहाँ पर जाके वीडियो देख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। नमस्कार।